थोड़ी गड़ोई ना चोरी भाइयों में ढोल ना गारे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल हिमाचल रॉक में आप सबका स्वागत है। आज वीडियो में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव में हमारी फैमिली में शादी है। तो यहाँ पे है लड़के की शादी। जिस लड़के की शादी है उसकी मैं चाची लगती हूँ। तो शादी है परसों 28-29 तारीख को, और आज वहाँ पे ध्रुबा उठाई। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्रुबा का क्या मतलब होता है, ध्रुबा में क्या क्या होता है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त पहुंच गई हूँ मैं शादी में, और हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। सभी औरतें यहाँ पर रूम में बैठी है, और पंडित जी भी यहाँ पर बैठे, और दूल्हा भी यहाँ पर है। पंडित जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सभी देव देवताओं की स्थापना की जाती है, और उनकी बारी बारी से पूजा की जाती है, और दूल्हे के हाथ से भी पूजा करवाई जाती है। जो ये गीत गाए जा रहे हैं, ये भी जैसे जैसे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जिन जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये गीत भी गाए जा रहे हैं। चपलिया
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठा है दर्जी कपड़े सिलने, तो जो दूल्हे के लिए भी कपड़े सिले जाते हैं जो मामा द्वारा लाए होते हैं, तो जो मामा ने कपड़े लाए होते हैं वही दूल्हा शादी में पहनता है। तो यहाँ पे मामा कपड़े लाए, जो कपड़े लाए हैं तो उसमें सबसे पहले कैंची मामा ही लगाएंगे, कैंची से सबसे पहले मामा ही काटेंगे उस कपड़े को, उसके बाद वो दर्जी द्वारा सिले जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही रस्म हो रही है। वैसे तो आजकल क्या है, ज़माना बदल गया है, अब तो रेडीमेड ही कपड़े लाते हैं दूल्हे के लिए, फिर भी जो रस्म है वो फिर भी निभाई जाती है। और यहाँ पे कुछ एक कपड़ा फिर भी दर्जी द्वारा सिला जाता है जो मामा ने लाया होता है। तो ये है दूल्हे के मामा, और ये सबसे पहले दर्जी की पूजा की जाती है और मशीन की भी पूजा की जाती है, और उसके बाद ये कपड़ा देंगे सिलने को। तो उसमें सबसे पहले कैंची लगाएंगे मामा ही, और कैंची लग गई है। और यहाँ पे सब लोग, अब यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही है और अब सब लोग मिठाई खा रहे हैं, और ये रस्म, ये ध्रुवा वाली रस्म पूरी हो गई है। और यहाँ पे मिठाई बांट रहे अब सबके लिए। तो यहाँ पे बना रही है गांव के लोग खाना, तो यहाँ जा रही औरतें उनको भी मिठाइयाँ देने जा रही है। तो आज रिश्तेदार तो कोई नहीं होते हैं, आज गांव वाले ही होते हैं, तो गांव वाले ही खाना खुद बनाते हैं, और आज हम सब यहाँ पे खाना खाते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया है लंच टाइम, और हम बैठ गए हैं खाना खाने। तमन्ना और सोनल भी यहाँ पे बैठे हैं, और कुछ लोग अभी आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम अभी खाना खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। और ये आज की रस्म पूरी हो गई और शादी है परसों। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।